क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, मैक्सिमम सब एरे के बारे में बात करेंगे। एरे सीरीज चल रही है, लिस्ट बोल सकते हैं, लिस्ट कवर कर रहे हैं अभी अभी, ट्रीज बाद में कवर करेंगे, देखेंगे ट्रीज को बाद में कवर कर रहे हैं, पहले एरे कवर कर ले रहा हूँ मैं। सोचा था ट्रीज पहले कवर करूँ पर एरे कर लें अभी। ठीक है, मैक्सिमम सब एरे बोला है इसने, और गिवन एन इंटीजर एरे नम्स फाइंड द सब एरे विद लार्जेस्ट सम डायरेक्ट सब एरे। ओके, तो ये मेरे को एक आउटपुट दिया यहाँ पे। सब एरे क्या होता है, कोई भी साथ में चलने वाला, मतलब फॉर एग्जाम्पल -3, -4, -1, ये एक सब एरे है, -2 एक सब एरे है, अकेले 1 एक सब एरे है, या फिर -2, 1 एक साथ सब एरे है। सब एरे क्या है, अगर मैं क्लिक करूँ, सब एरे इज अ कॉन्टिग्यूस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट विद इन दैट। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसका अप्रोच जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ मैं, थोड़ा बैकग्राउंड ऑडियो आ रही है, बेयर करें, उसको मैं कुछ कर नहीं सकता, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, ये एक कदाने एल्गोरिथम होता है, उसको कवर करेंगे आज इस वीडियो में। बाकी बहुत सारे वीडियो शूट कर रहे हैं, कुछ वीडियो शूट नहीं किया, एंगुलर का एक शूट किया था 2-3 दिन पहले, उसके बाद मैंने कोई शूट नहीं किया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ किस तरह से क्या करेंगे। हम लोग कवर करने वाले मैक्सिमम सब एरे, ठीक है, मैक्सिमम सब एरे। बहुत दिनों बाद लिख रहा हूँ ना, तो थोड़ा टाइपिंग में इशू होती है। ओके, तो एक यहाँ पे टेस्ट केस उठा लेता हूँ मैं, तीसरा वाला टेस्ट केस उठाता हूँ आपके लिए, ये वाला 5-4-1-7-8। ठीक है, 5-4-1-7-8, 5-4-1-7-8, 5-4-1-7-8, नम्स इक्वल टू 5-4-1-7-8। अब मैं टाइप क्यों कर रहा हूँ, मैं चाहे तो कॉपी भी कर सकता हूँ, बट मेरे को शेयर करना है तो फाइल साइज बहुत लंबी हो जाती है, फिर फिर कंप्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी यार, वाईफाई लग गया है अब तो। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। सब एरे क्या है, अब मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूँ। ये एक मेरा सब एरे है, ठीक है, अकेले का। ये दोनों एक सब एरे है, ये तीनों भी एक सब एरे है। अगर मैं सिर्फ ये दो ले लूँ, ये भी एक सब एरे है, ये पूरा एक सब एरे, एक इंसान अकेले में भी, मतलब एक डिजिट अकेले में भी सब एरे है, ये सारे सब एरे है। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल एक अप्रोच क्या है ना, छोटा वाला पहले वाला अप्रोच जानते हैं। एक लूप हमारा कहाँ से चलेगा, आई इन रेंज 0 से लेकर एन तक चलेगा, मतलब एन माइनस वन तक चलेगा, वो हम लोग पाइथन में एन तक करते हैं वो, ठीक है। और दूसरा एक लेफ्ट और राइट पॉइंटर, क्योंकि मेरे को दोनों चाहिए ना, यहाँ पे ये लेफ्ट चाहिए एक राइट चाहिए, तो दो पॉइंटर चाहिए, उस हिसाब से मैं पूरा एक कॉन्टिग्यूस सब एरे उठा सकता हूँ। ठीक है, फॉर जे इन जे कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से लेकर वही एन माइनस वन तक, मतलब एक डिजिट कम तक चलता है। ठीक है, अब मेरे को ये दो लेफ्ट और आउटर मिल गया, अब मुझे कंटिन्यूस सब एरे फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, मैं सब एरे फाइंड करने के लिए एक लूप लगाऊंगा, काई इक्वल टू के इक्वल टू आई तक, और वो जे तक जाएगा, और मैं सब एरे निकाल लूंगा, जो भी सब एरे मेरे को निकालना है ये निकाल दूंगा। इसकी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, टी सी की बात कर देता हूँ, ओ एन क्यूब होगी, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है ना, बहुत सारे चीज़ों पे काम नहीं करने वाला। एक्सट्रीम केसेस में क्या बहुत दिक्कत होगी यार, मेमोरी ऑप्टिमाइज नहीं है, बहुत कुछ दिक्कत है यार, टाइम बोल देगा। तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, एक नया एल्गोरिथम होता है मार्केट में, उसके बारे में कवर करेंगे आज। एल्गोरिथम का नाम थोड़ा लिख देता हूँ, कदाने एल्गोरिथम। कदाने भाई कोई था, उसने एक एल्गोरिथम लिखा है, उसको किस तरह से करेंगे, तो हाथ फिसल रहा है। ठीक है, एक हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, कोई एक सम उठा लूंगा, तो कर सम डाल दूंगा, कर सम को क्या कर दूंगा, बाय डिफॉल्ट में 0 रखूंगा। और मेरे पास एक क्या होगा, कुछ ऐसा मैक्स सब होगा, मैक्सी बोल सकते हो, मैक्स सब ले सकते हो, ये क्या होगा, बाय डिफॉल्ट में जो हमारा जो नम्स है उसका 0 डिजिट वाला कर दूंगा। क्योंकि क्योंकि रीजन क्या है, रीजन यही है क्योंकि हम मुझे एक तो एक एक, एक, एक अकेला भी एक सवेरे मैक्सिमम हो सकता है, तो उसके लिए मैं 0 इंडेक्स में जो पड़ा हुआ अभी के लिए वो मैं डाल दे रहा हूँ, बाकी बाद में हैंडल कर देंगे उसको। और यहाँ पे एक फॉर लूप चलेगा, फॉर कहाँ चलेगा, फॉर लूप चलेगा 0 से लेकर जितने भी नम्स तक है उस तक चलेगा। और एक चेक कर दूंगा मैं क्या चेक मारूंगा, यहाँ पे मेरा जो सम है, करंट सम है, वो अगर लेस देन 0 हो गया तो मैं कर सम को 0 कर दूंगा, और मैं करंट सब को आगे भी बढ़ाऊंगा। भैया करंट सब को आगे बढ़ने के लिए मैं करंट सब प्लस इक्वल टू
जो करंट इंडेक्स है, फॉर एग्जाम्पल मेरा अभी जो इंडेक्स चल रहा है एन, जो भी इंडेक्स है वो मैं उसको ऐड कर दूंगा, और मैक्स सब को किस तरह से निकालूंगा, मैक्सिमम जब भी आ रहा है आपको पता है मैक्स निकालते हैं हम लोग, मैक्स करके हमारा जो मैक्स सब अभी का है और हमारा करंट कर सम और कर सम इस तरह से, और मैं रिटर्न कर दूंगा आखिरी में, थोड़ा सा नीचे आऊँ, नीचे आ रहा हूँ, ऊपर कहाँ जा रहा है, रिटर्न कर दूंगा जो भी हमारा मैक्स सब है वो मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, समझ लीजिए ये अप्रोच है हमारा, इसको इस तरह से कॉल, एक टेस्ट केस को खेल लेते हैं टेस्ट केस में, और यहाँ पे कर सम लेस देन जीरो किया वो क्यों, वो क्यों। ठीक है, अब मेरा अगर माइनस वन है, माइनस वन आगे सम कर सम आ गया, इसका मतलब मैं इसको अगर ना लूं, फॉर एग्जाम्पल ना लूं, एक्सक्लूड कर दूं, तो मेरे को फायदा होगा ना, मैं अगर नेगेटिव नंबर ना लूं तो मेरे लिए फायदा होगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो नेगेटिव नंबर से क्या होगा ना, मेरा जो सम होगा वो ड्रॉप होता रहेगा, तो उसको हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसा करेंगे। ठीक है, 5 4 -1 7 8 है वो मैं ले लेता हूँ एक, यहाँ पे 5 4 -1 7 8। ठीक है, ठीक है, इस तरह तो इसको यहाँ पे हैंडल कर देते हैं, 5 4 -1 7 8। ठीक है, इसका निकालेंगे, एक मिनट देखो, हाँ ये है ना, इसका मैक्सिमम सब एरे निकालूंगा। सबसे पहले हमारा एक मिनट अपडेट करते रहेंगे, पहले मैं इस वाले पहले चलाऊंगा 5 5 5 के लिए, यहाँ पे तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0 1 2 3 4, जीरो इंडेक्स। ठीक है, जीरो इंडेक्स पे, ठीक है, जीरो इंडेक्स में अभी क्या है मेरा करसम जीरो है, करसम जीरो है ना, करसम अभी जीरो है, और मैक्सी क्या था, मैक्सम अभी मेरा मैक्स सम जो है, मैक्स सब सब बोल सकते हो, सम बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, मैक्स सब मैंने बोल दिया, बी डाल दिया। ठीक है, मैक्स सब क्या है मेरा, नम सब जीरो, तो मेरा 5 है अभी, अभी तक है, कर्सम जीरो है। ठीक है, ये इंडेक्स में आया, जीरो से लेके चल रहा है, फॉर लूप के अंदर आया। ठीक है, सम अभी करंट का सम सब क्या है, लेस देन जीरो नहीं है, तो कर्सम क्या होगा, अभी मेरा कर्सम क्या है, अभी इस इंडेक्स में कर्सम अभी आफ्टर अपडेटिंग, अभी अपडेट, ठीक है, आफ्टर अपडेट, ठीक है, आफ्टर फॉर लूप, अब करसम क्या होगा, प्लस जो करंट इंडेक्स हमारा, तो पहले जीरो था, ठीक है ना, अब करसम 0 + 5 होगा, फिफ्थ वैल्यू तो 5 होगी, और मैक्स अब क्या होगा हमारा, मैक्स अब करंट सम और इसका मैक्स लेंगे, तो अगर मैं लू मैक्स अब 5 है, करंट सम 5 है, तो मेरा ये भी 5 आ गया। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे आया, ठीक है, वन इंडेक्स में अभी क्या है मेरा, वैल्यू इक्वल टू 4 है, वैल्यू 4 है अभी तक मेरा जो करसम है। ठीक है ना, मैं एक काम करता हूँ, करसम को मैं डायरेक्टली अपडेट कर रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली राइटिंग हेयर हो वहां पे दिक्कत होगा, ठीक है ना, यहाँ पे ये इधर से उठा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी ये इसको भी थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, दिखेगा नहीं ना, हाँ यार तुम क्या कर रहे हो यार। ठीक है, कसम अभी के लिए मेरा क्या है ना, 5 है, तो 5 है, अगर 5 ये कसम लेस देन 0 है नहीं है, तो ये लूप में नहीं जाएगा, कसम अब अपले प्लस इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो अभी के लिए कसम क्या हो जाएगा हमारा, पहले 5 था प्लस 4, 5 + 4 9 हो जाएगा कसम, मैक्स अब क्या है हमारा, मैक्स ऑफ मैक्सम अभी तक मेरा 5 है और कसम 9 है, तो अब 9 हो जाएगा मैक्स 9। ठीक है, अब सेकेंड इंडेक्स पे आते हैं, सेकंड इंडेक्स में क्या है, वैल क्या है, -1, हमारा वैल -1 है, कर सम क्या है हमारा, अब हम कर सम क्या निकालूंगा। ठीक है, सम क्या है, ठीक है, हमारा अभी तक क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे, 9 हो जाएगा, 9 माइनस अगर मैं बात करूं 1, ऐसा यूज केस ले रहा हूँ यार, वो दिक्कत हो रही है, ये वाला की लेना नहीं चाहिए था मेरे को, थोड़ा लेना चाहिए था, वो ज्यादा सही रहता, पर मैं एक्सप्लेन कर देना सही रहेगा आपके लिए, वो भी एक ले लूंगा, चलो ठीक है, उसको आखिरी में कर देंगे। ठीक है, 9 - 1 कर रहा हूँ, तो 8 आ रहा है। ठीक है, और मैक्स सब क्या होगा, मैक्स सब हमारा, मैक्स निकालेंगे, 9 था और 8 था, तो भी 9 ही होगा। ठीक है, 9 लूंगा, मैक्स सब 9 लूंगा, करंट सब कम हो गया ना, अब तीसरे इंडेक्स पे आऊंगा मैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7, वैल्यू 7 है, अभी भी नेगेटिव नहीं है, तो कर सब 9 + 8 + 7 कर दूंगा, 8 2 16 15 आ जाएगा, और मैक्स सब अब हो जाएगा 15, ठीक है, करंट सम से ऊपर हो जाएगा ना 15। फोर्थ इंडेक्स पे आऊंगा, वैल्यू कितनी होगी, अभी 8 है, ठीक है, तो कसम क्या हो जाएगी, अभी पॉजिटिव है, 8 + मतलब 23, ठीक है, अब मैक्स सम क्या होगा, मैक्स सब होगा हमारा इन दोनों का मैक्सिमम 23।
ऑब्वियसली ये हमारा आउटपुट आ रहा था, ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से रहता है। मुझे ये लेना चाहिए था, ये ज्यादा सही रहेगा, तो मैं ये वाला बता देता हूँ, ये ज्यादा सही रहेगा। मैंने गलती से वो वाला टेस्ट केस ले लिया, माई बैड यार, सीरियसली वो लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसमें मजा नहीं आएगा आपको, उस वाले में मजा नहीं आ रहा, इस वाले में मजा आएगा। तो ब्लू कर देते हैं और पेन थोड़ा रेड लेते हैं, मजा आएगा आप, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंडेक्सिंग कर देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 0 इंडेक्स में जाऊंगा, कस्टम वो क्या डाल देता हूँ, बाय डिफॉल्ट मेरा कस्टम 0 होगा, और ये होगा मैक्स सब। मैक्स सब क्या होगा, -2, जो पहला वाला होगा -2, ठीक है, ओके। और यहाँ पे आफ्टर फॉर लूप करेंगे, अब फॉर लूप के अंदर जाऊंगा, ठीक है। आफ्टर फॉर लूप में क्या करूंगा, मैं कर सब को क्या कर दूंगा बाई डिफॉल्ट, अब कर सब क्या होगा हमारा, ठीक है, 0 है, 0, ठीक है, लेस देन 0 नहीं है, तो कर सब अंदर आएगा, और 0+ हमारा अभी जो इंडेक्स वैल्यू पड़ी हुई है कितनी पड़ी हुई है, -2, ठीक है। और मैक्स सब क्या होगा, मैक्स सब दोनों का निकालेंगे, कर्सम का और इसका, तो ये हमारा -2 ही रहेगा अभी के लिए, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स पे आता हूँ, ये लेना चाहिए थी, मेरे ख्याल से ये ज्यादा सही था, ठीक है। कर्सम अभी के लिए क्या होगा, कर्सम -2 है, ठीक है, देख लो देख लो, ये टेस्ट कैसा गया भैया, -1 है, -2 है, -2 मतलब इसके अंदर गया, और ये लेस देन 0 आ गया, लेस देन 0 आ गया, तो कर्सम को मेरे 0 कर देना है, क्यों करना है, क्योंकि मैं इसको एक्सक्लूड कर दूंगा, नेगेटिव नंबर है, मुझे मजा नहीं आ रहा, ठीक है, नेगेटिव नंबर है, तो मैं इसको कर्सम को अभी अंदर आऊंगा 0 कर दूंगा, कर्सम को अभी, इफ कंडीशन, ठीक है, इफ कंडीशन लगेगा, ठीक है, इफ कंडीशन हो गया, अब कंडीशन हो गया, ठीक है। अब कर्सम क्या होगा हमारा, फिर से इफ कंडीशन वाला हो गया, अब फॉर लूप के अंदर गया कर्सम, अभी करंट इंडेक्स पे क्या पड़ी हुई है, 1 पड़ा हुआ है, 0+1, 1 होगा, और मैक्स अब क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ, मैक्स ऑफ कितना, करंट सम -2 और 1, तो अभी 1 आएगा, तो अभी क्या ले रहे हैं, इसको एक्सक्लूड कर देना है। अगर मैं थोड़ा सा अलग पेन लूँ इससे, इसको यहाँ से मैं इसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग दिस वन, ठीक है ना। अब सेकेंड इंडेक्स पे आएंगे, अभी के 1 है तो 1 ही पड़ा रहेगा, अब कर्सम क्या हो जाएगा हमारा, और 1 है, और ये वाला ले रहे हैं इधर जा रहे हैं सेकेंड इंडेक्स पे, 1 -3, 1 -3 तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये अपडेट बाद में हो रहा है, इफ कंडीशन अब लगेगा ना तो अगले वाले में लगेगा, ध्यान रखना। मैक्स अप करूंगा, मैक्स अप क्या होगा, मैक्स ऑफ, मैक्स अप हमारा 1 है और ये -2 है, तो ऑब्वियसली 1 रहेगा, ठीक है। अब थर्ड इंडेक्स पे आऊंगा, थर्ड इंडेक्स में हमारा कितना, थर्ड इंडेक्स में वैल्यू कितनी दी है, 4 दी हुई हमारे केस में, ठीक है ना, वैल्यू 4 दी हुई है, ठीक है, थर्ड इंडेक्स वैल्यू 4, कर्सम क्या होगा, -2, इफ कंडीशन लग जाएगा, ठीक है, इफ कंडीशन लग गया, अब कर्सम क्या हो जाएगा हमारा, कर्सम 0 हो जाएगा, 0 ले लिया कर्सम को, अब फॉर लूप के अंदर आया तो कर्सम क्या हो जाएगा, 0+ हमारा जो वैल्यू पड़ी हुई है 4, ठीक है, और मैक्सम हो जाएगा हमारे केस में मैक्स ऑफ 4 और 1, तो 4 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट में क्या कर रहा हूं ना, यहाँ पे मेरी, मैं अब इतना ले लिया था, ये वाला इतना होगा, यहाँ से इतना हटा दे रहा हूँ, ये ले नहीं रहा हूँ, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है इसमें, मैं यहाँ से अब स्टार्ट कर रहा हूँ, ये 3 वाले से, ठीक है ना, क्योंकि यार मेरा नेगेटिव पे आ जा रहा, तो मैं 3 वाले से स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, फोर्थ इंडेक्स। तो हमारा फोर्थ इंडेक्स में वैल्यू कितनी है, अगर आप ध्यान देखो, -1, ठीक है, वैल्यू इक्वल टू -1, ठीक है। इफ कंडीशन को हिट करेगा, नहीं करेगा इफ कंडीशन को हिट, और कर्सम कितना है, 4 -1, 3 आया, ठीक है। मैक्स अब अभी भी हमारा कितना होगा, 4 और 3, 4 ही होगा, मैक्सिमम निकाल लेना, 4 और 3 का मैक्स होगा। फिफ्थ इंडेक्स पे जाऊंगा अभी हम, अब वो वैल्यू इसकी फिफ्थ इंडेक्स में कितनी, अगर मैं दिखा दूं आपको, 2, फिफ्थ इंडेक्स में 2 है, ठीक है, 2 है ना, 2 है ना, 2 है ना, हाँ 2 है, ठीक है। तो अभी क्या करूंगा, सम हमारा क्या होगा, पॉजिटिव था, मतलब इफ कंडीशन में हिट नहीं करेगा, 3+4, 5 होगा, और मैक्स अब एक स्टेप बढ़ जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है। और सिक्स इंडेक्स पे जाते हैं, जल्दी हो जाए और बहुत टाइम ले रहा है, फालतू में गलत टेस्ट के उठा लिए थे ना वो वाला, तो गड़बड़ हो गया था। सिक्स पे 1 है, तो वैल्यू 1 है, तो कसम फटाक से कर देते हैं, कसम 6 हो जाएगा, मैक्स सब 6 हो जाएगा। सेवन्थ इंडेक्स पे जाऊंगा, सेवन इंडेक्स में क्या है, -5 और 4, ठीक है, -5 और 4,
-5, तो कट सम कितना होगा हमारा 6 -5 1, और मैक्स अप कितना होगा 6 ही चल रहा है अभी के लिए, ठीक है। और ठीक है, ओके, एट्थ इंडेक्स में क्या है हमारा, एट्थ इंडेक्स पे जो आखिरी है 4, ठीक है, वैल्यू इक्वल टू 4 है, सम 5 है, मैक्स अब कितना हो जाएगा 6। इन शॉर्ट क्या हुआ, मैं अगर बात करूं आपको कहां से, टोटल 6 हुआ है, टोटल 6 हुआ है। अब कहां से स्टार्ट हुआ है अगर मैं बात करूं, तो मेरे ख्याल से ये फोर्थ इंडेक्स से उठा रहा है, फोर से उठा के लेके ओके कहां तक है, फोर्थ तक 6 इंडेक्स पे, ओके ओके, फोर से लेकर 6 इंडेक्स तक मैं अगर बात करूं, फोर्थ से लेकर फोर्थ कहां पे, कौन से इंडेक्स पे है, ओके, थर्ड से लेकर 6 इंडेक्स तक मैं बात करूं, थर्ड से लेकर 6 इंडेक्स तक। मैं थोड़ा दिखा दूं अलग पेन लेके, थकते यार मैं भी, तो ठक 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 करते रहते हैं। 3 से लेकर 6 तक, 4 -1 +2 +1, अगर मैं इसको प्लस करूं कितना होगा, 3 4 5 6, तो ये हमारा मैक्सिमम सबर है। अगर मैं बात करूं ये हमारा मैक्सिमम सबर है, ये हमारा निकला। बाकी ये जो ना हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि अगर आगे जाके कुछ और अच्छा हो गया, तो अगर मैं नेगेटिव भी इस्तेमाल करूं तो मुझे दिक्कत ना हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर 14 कुछ आ जाता है तो नेगेटिव करके ये यहाँ से इतना तक चले जाता तो ज्यादा मेरे को बेनिफिट होता मेरे ख्याल से, ठीक है। अब 24 मान के चलते, 24 बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाता, तो मैं फिर -5 को भी ले लेता, ये भी ले लेता। नेगेटिव अगर मतलब नेगेटिव से मेरे को एक कुछ गड़बड़ हो जाता है, मतलब कम पे आ जा रहा है, तो मैं उसको वहां पे नहीं लूंगा, ठीक है। फिर वहां से भी शुरुआत से स्टार्ट लूंगा, मिलेंगे अब तैयार होगा फटाक से। 19 मिनट का वीडियो होगा, अब रिकॉर्ड कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें मैं सोच रहा हूँ डाटा इंजीनियरिंग या कुछ ऐसे सीरीज लाऊं, हेल्पफुल होगा यार वो वाली सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा। तो आई एम थिंकिंग ऑफ लाइक हडूप, हाइव, ये सब चीजें को लाना पड़ेगा मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बट आई एम फीलिंग ऑफ आई शुड डू दैट, ठीक है। तो उसका भी करेंगे करेंगे उसका करेंगे, ठीक है ना। वो भी थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा, ओके। पाइथन में यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे चल जाते हैं, मैक्सिमम सबर है। दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, एक सॉर्ट कलर वाला वो सॉल्व कर दूंगा उसके बाद में, उसके बाद यार देखेंगे डाटा इंजीनियर कुछ आज ही से स्टार्ट करूंगा कि नहीं। कुछ ऐसे फाइल पड़ा हुआ है क्या, क्या है ना वो ऊपर वो वाला फाइल पड़ा हुआ है यहाँ पे, फाइल क्लोज फोल्डर है यार, फाइल ओपन फाइल, 1 मिनट में कोड कर लेते हैं, मान ही गया, 1 मिनट फटाक से कोड कर लेते हैं, किसे ज्यादा करेंगे, ऑल पर चेक करूंगा, फटाफट करूंगा, ऑलरेडी मैंने बता दिया क्या करूंगा। अबे कहाँ जा रहा हूँ, मैक्स सब ले लूंगा इसको, इसको मैं फॉर एग्जाम्पल नम्स ऑफ 0 कर दूंगा, सम को क्या कर दूंगा 0 कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल और फॉर एन इन नम्स डायरेक्टली इस तरह से जा सकते हो, जाओ तो वो वाला एरे वाला रेंज करके भी वो भी कर सकते हो यार, टोटली डिपेंड अपॉन यू। फॉर लूप में वो दिखा देता हूँ, अगर सम नेगेटिव हो गया तो एक्सक्लूडेड एक्सक्लूडेड एंड स्टार्ट फ्रॉम, सिंपल यार एक्सक्लूडेड यार, देख तो यार मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा, बहुत टाइम दे रहा, ठीक है। इसके बाद क्या करूंगा, कर सम को +1 इक्वल टू जो करंट इंडेक्स है वो डाल दूंगा, और मैक्स अप को, मतलब ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, पर अगर आप बिगनर है तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए इसको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया रिटर्न, अरे यार मैक्स नहीं करना है, हो गया इसको, इसी को बोलते हैं कदाने एल्गोरिथम, ठीक है। कदाने भाई इन्होंने एक एल्गोरिथम लिखा है, ये वाला एल्गोरिथम, इसके हेल्प से क्या किया ना हम लोगों ने, सिंपल, इसके हेल्प से हम लोगों ने ओ एफ एन स्क्वायर को ओ एन, ओ एन क्यूब को ओ एन कर दिया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन हो गई हमारे इस केस में। स्पेस कुछ यूज कर रहे हैं, स्पेस यूज कर रहे हैं, कुछ यूज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं यूज कर रहे हैं स्पेस, तो आई फील लाइक ओ ऑफ वन हो गई वाली है यहाँ पे, कदाने एल्गोरिथम का यूज करके। आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे, तो 7 का देखें आप चल रहा है, कोड ऐसा है, कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलूंगा दूसरे वीडियो में, टिल देन बाय। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing.